चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किसका अपना, गेट 2005 का क्वेश्चन है, 2005 टू मार्क्स। ओके सो क्वेश्चन पढ़ो जरा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। द सर्किट शोन इन द फिगर, ये फिगर तुमको मैंने कहीं से उठाया क्वेश्चन, तो आपका वहाँ का फिगर होगा, तुमको मतलब नहीं है। इज इन स्टेडी स्टेट व्हेन द स्विच इज क्लोज एट टी इज इक्वल्स टू जीरो। ओके अज्यूमिंग दैट द इंडक्टेंस इज आइडल एंड द करंट थ्रू द इंडक्टर एट टी इज इक्वल्स टू जीरो प्लस विल बी। ओके तो देखो इस क्वेश्चन को हमको कोचिंग में पढ़ाते थे केशव सर, वो बहुत ही आसानी से समझाते थे इस कंसेप्ट को, उन्होंने इस कंसेप्ट को अपना खुद का नाम दिया हुआ था। देखो क्या नाम होता है, क्या मतलब क्या होता है इस क्वेश्चन के अंदर, कि तुमको किसी भी एक इंस्टेंट पे कुछ सर्टेन वैल्यू पूछी हो, जिस टाइम पे स्विचिंग हुई है उसी इंस्टेंट के पहले तुमको कुछ कंडीशन गिवन है और उसी इंस्टेंट के थोड़े टाइम बाद तुम्हें एक कंडीशन गिवन होगी और उसी इंस्टेंट पे उस कंडीशन पे उसकी वैल्यू पूछी होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को उन्होंने अपना खुद का नाम दिया हुआ था, है तो तुमको क्या ऑब्वियसली बात, तुमको क्या पता है किसका क्वेश्चन है, स्विचिंग आ रही है तो मतलब ट्रांजिएंट का क्वेश्चन है। उन्होंने क्या नाम दिया था इसको क्वेश्चन को, बस कि प्योर ट्रांजिएंट। अब प्योर ट्रांजिएंट क्यों नाम दिया, क्योंकि देखो जस्ट उस इंस्टेंट पे सारी बातें हो रही है ना, इसलिए इसका नाम ऐसे दीजिए कि प्योरली ट्रांजिएंट बिहेवियर अपन चेक करने जा रहे हैं, बाकी तो ऐसा कोई फर्क नहीं है, प्योर ट्रांजिएंट ऐसी रैंडम नेम है बस। तो प्योर ट्रांजिएंट क्वेश्चन कहते थे इस क्वेश्चन। तो अब प्योर ट्रांजिएंट क्वेश्चन से हमें कैसे तुमको पता पड़ेगा प्योर ट्रांजिएंट क्या है, पहली बात तो तुमको स्विचिंग गिवन होगी, तो एक सर्टेन अमाउंट पर तुमको एक सर्टेन टाइम पे, यहाँ पर तो उस टाइम के लिए थी जीरो, लेकिन एक सर्टेन टाइम पर तुमको एक स्विच की वैल्यू गिवन होगी, उससे जस्ट पहले स्टेडी स्टेट में चल रहा होगा और उसके जस्ट बाद स्विच के बारे में कुछ सिस्टम के बारे में कुछ बातें उसने पूछी होगी क्वेश्चन में। क्लियर है मेरी बात। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे साफ दिख रहा है कि यहाँ पे पहले किस में था, ये स्टडी स्टेट में, और जस्ट बाद ये किस में जा चुका है, मतलब जस्ट बाद उस पर अपन को वैल्यू पूछी है इंडक्टर करंट की। ओके बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट में पढ़ाओ। तो सबसे पहले स्टडी स्टेट का मतलब क्या है कि माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो तक ये बहुत टाइम इसको मिल चुका है कि अपनी कौन सी स्टेट को अचीव कर ले, स्टडी स्टेट को अचीव कर ले, और बाकी इन जनरल स्टडी स्टेट को अचीव करने के लिए कितना टाइम लगता है, हर बार बताता हूँ, रिपीट करते रहा करो कि तुमको सेटलिंग टाइम का मतलब समझ में आए। सेटलिंग टाइम एक मार्जिन है जिससे को अपन ले लेते हैं, एक्चुअली में एक सिस्टम कभी सेटल नहीं करेगा, तो सिस्टम को अपन ऐसा थोड़ी कि दो तीन घंटे बैठे, मतलब कितने भी टाइम लगे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि दो तीन घंटे तक बैठ के सिस्टम को अपन ऑब्जर्व भी करे जा रहे हैं कि इसका करंट अब खत्म हो। एक सर्टेन अपन ने क्राइटेरिया मान रखा है कि किसी सर्टेन अमाउंट ऑफ वैल्यू से चालू हो और उस वैल्यू का 98-99% टाइम्स ये खत्म हो जाए, उसके बाद अपन उसको देखना ही नहीं बता, क्योंकि खत्म तो एक्चुअली में जीरो तो कब होना है, वो इन्फिनिट टाइम पे, तो इन्फिनिट टाइम तक तो बैठने से है, इसलिए अपन इसमें ये सारी चीज समझ गए ना मेरी बात, ठीक है। तो साफ सी बात है इसके अंदर स्टडी से इसको पूरा टाइम मिल चुका है, क्वेश्चन फालतू लंबा कर रहा हूँ मैं, फटाफट पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो टी इज इक्वल्स टू जीरो से पहले क्या हुआ होगा, कैसे एनालाइज करना है, एट स्टडी स्टेट इंडक्टर बिहेव्स एज ओपन शॉर्ट सर्किट। ओके तो इंडक्टर बिहेव्स वर्ड यूज करना है हमेशा, जब भी अपन इंटरव्यू दे रहे हैं या कुछ भी अपन पढ़ाई कर रहे हैं, खुद भी बिहेव वर्ड यूज करना है, ना कि एक्चुअल में इसको शॉर्ट सर्किट करना है। ये इस सर्किट के लिए बिहेव, इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए ये एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव कर रहा है, ना कि ये शॉर्ट सर्किट हुआ है। क्लियर है मेरी बात। तो इसको शॉर्ट बना दिया, अब यहाँ पे 10 बचा, यहाँ पे 10 वोल्ट बचा, तो यहां से आई एल जीरो माइनस, जस्ट स्विचिंग से पहले पहले करंट कितनी दिख रही है तुम्हें, 1 एम्पियर। क्लियर है मेरी बात। अब जस्ट स्विचिंग के बाद इसके अंदर करंट कितनी हो जाएगी वो देखनी है, तो ये तो इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, इसमें तो कुछ दो राय ही नहीं है, इज इक्वल टू आई एल जीरो प्लस, कौन सी प्रॉपर्टी है, इंडक्टर कैन नॉट, इंडक्टर विल नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट अक्रॉस इट, तो ये सडन चेंज ही है, तो नहीं अलाउ करेगा तो बराबर होता है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 1 एम्पियर, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा सी ऑप्शन, फटाफट खत्म कर देना, थोड़ा सा ज्यादा लंबा कर दिया, कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बाय।